श्रीमान राजनाथ सिंह जी बैठे हैं उनको अभिनंदन देना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री को अभिनंदन देना चाहता हूं कि भारत विरोधी जितने भी पाकिस्तान के अनऑथोराइज चैनल थे उसका प्रसारण ये सरकार ने बंद करने का काम किया। माननीय अध्यक्ष जी, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी लड़ी है ऐसा मेरा नहीं मानना। माननीय सदस्य मनीष जी ने ठीक ही कहा, हर पार्टी जब सरकार में रही इसने आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का प्रयास किया है, इसको नेस्त नाबूद करने का इसका किसी ने समर्थन नहीं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे कोई भी पार्टी हो। परंतु माननीय अध्यक्ष जी, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि लड़ने लड़ने के तरीके में बड़ा अंतर होता है, बहुत अंतर होता है माननीय, बड़ा अंतर होता है। पहले लड़ाई क्या चलती थी, टेररिस्ट वहां से घुस कर आते थे, यहां अपने लड़कों को गुमराह करते थे, अपनी टोली को बढ़ा करते थे, हथियार मिल जाते थे, पैसे मिल जाते थे और बेरोक टोक भारत के अंदर टेररिज्म को फैलाते थे। हम लड़ाई क्या लड़ते थे, वो टेररिस्टों को मारते थे, वो अपने लड़कों को मारते थे और अपनी जमीन पर अपने सुरक्षाकर्मी और अपने लड़के भी मरते थे, टेररिस्ट भी मरते थे। अप्रोच क्या होना चाहिए, टेररिज्म कहां से आता है, कहां से आता है? माननीय अध्यक्ष जी, हम सबको मालूम है कश्मीर के अंदर और देश के अंदर जो टेररिज्म की समस्या है वो पड़ोस के देश से आती है, वहीं से जनरेट होती है। ये कश्मीर का टेररिज्म पाक प्रेरित टेररिज्म है। हम हमारी जमीन पर लड़ाई लड़ते थे, देश की जनता ने मोदी जी को चुना, परिवर्तन आया और मोदी जी को चुनने के बाद लड़ाई के तरीके में परिवर्तन आया। हमारी भूमि पर लड़ाई लड़ना वो तो लड़ते ही है, और मजबूती से लड़ते और मजबूती से लड़ेंगे। परंतु जहां टेररिज्म की जड़ है वहां उनके घर में घुसकर इनके दिल दहलाने वाले हमले करने का काम एक भारतीय। माननीय अध्यक्ष जी, हमने एयर स्ट्राइक करी, सर्जिकल स्ट्राइक करी, सवाल उठाए गए, शांति के दूत प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने लगे। मैं कहना चाहता हूं, रिकॉर्ड क्लियर रहना चाहिए देश की जनता और दुनिया के सामने, हमारे दोनों सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के अंदर एक भी नागरिक की मौत नहीं हुई है, पूरे के पूरे टेररिस्ट मारे गए। मैंने देखिए, रिकॉर्ड क्लियर रहना चाहिए, पर हमने कोई हमला नहीं किया है। ये भारत का आत्मरक्षा का अधिकार है, एक सार्वभौमत्व प्राप्त करने वाली देश को अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है, और सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक दोनों भारत की आत्मरक्षा का अधिकार का प्रयोग करने का मान्य है। पहले जब सर्जिकल स्ट्राइक करी दुनिया भर के डिफेंस के पंडित कहते थे कि भारत की नीति नहीं है, ये फ्लूक है, अचंभे में हो गया, अचानक कर दिया है, और बात भी सही थी, पहली बार हो रहा था, जो बोलते थे वो तो हम सुनते थे, जवाब देने की स्थिति में नहीं थे। पुलवामा हुआ, 40 हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए, सबको लगता था अब क्या होगा, अचंभे से तो अब नहीं होगा, पाकिस्तान सावधान है, बीच में सेना बिछा दी, टैंके बिछा दी, तोपे बिछा दी। मगर माननीय अध्यक्ष जी, नरेंद्र मोदी सरकार का देश की रक्षा के लिए कमिटमेंट जस का तस था। इन्होंने टैंके बिछाई, तोपे बिछाई, सेना बिछा दी। नरेंद्र मोदी जी ने एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादी अड्डों का सफाया, और एयर स्ट्राइक होने के बाद आज दुनिया में कोई भी नहीं कहता कि ये फ्लूक है, पूरी दुनिया मानती है कि भारत की सुरक्षा नीति बनी है और देश को सुरक्षित करने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। ये अंतर है। मैं ये नहीं कहता कि बाकी कोई पार्टियों ने कोई काम नहीं किया है, मगर करने में अंतर है और उसके परिणामों के भी अंतर आता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो जाना नहीं चाहता था, कुछ लाया भी नहीं था कि क्या बोलूं, मुझे तो लगता था सब समर्थन कर देंगे तो मेरे बोलने का बहुत मौका ही नहीं आएगा, मगर मनीष जी खड़े हो गए। मनीष जी ने इतिहास की बात करी, अब इतिहास की जब उन्होंने बात करी है तो माननीय अध्यक्ष जी, मुझे भी इतिहास में जाना पड़ेगा। और माननीय अध्यक्ष जी, जब इतिहास की बात करते हैं, मैं उन्होंने विभाजन की बात करी कि विभाजन के कारण
पूरा देश रक्त रंजित हो गया। विभाजन का कोई समर्थन नहीं करता, हम तो ना उस वक्त करते थे ना आज करते हैं। मनीष जी, आप सवाल उठा रहे हो विभाजन का, किसने किया विभाजन, किसने किया? हमने नहीं किया है। विभाजन की सहमति किसने दी? हम आज भी कहते हैं कि धर्म के आधार पर देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए। हम आज भी कहते हैं ये गलती हुई है, ऐतिहासिक गलती हुई है, जिसकी ऊंचाई हिमालय जितनी है और गहराई सागर जितनी है, वो गलती मगर हमने नहीं की है। गलती हमने नहीं की है, गलती आपने करी है, आपकी पार्टी ने, और इतिहास से आप भाग नहीं सकते। माननीय अध्यक्ष जी, हमें इतिहास की दुहाई दे, एक तिहाई हिस्सा जम्मू कश्मीर का हमारे पास नहीं है, किसके कारण नहीं है भाई, किसके कारण नहीं है? जब महाराजा हरि सिंह जी ने भारत के साथ संधि कर दी, वायुसेना के विमानों से भारत की फौज वहां गई, पाकिस्तान के भेजी हुई कबीलाई के रूप में आई हुई सेना को खदेड़ना शुरू किया, खदेड़ते खदेड़ते काफी हद तक कश्मीर से लेकर आज की एलओसी तक पहुंचे, किसने सीज फायर कर दिया? किसने सीज फायर किया? माननीय अध्यक्ष जी, हमने नहीं किया। जवाहरलाल नेहरू उस वक्त के प्रधानमंत्री जी ने सीज फायर कर वो हिस्सा पाकिस्तान, हमें इतिहास सिखाते हैं, हमें कहते हैं, आरोप लगाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, इसको भरोसे में नहीं लेते, उसको भरोसे में नहीं लेते, इसको भरोसे में फलाने को नहीं, दिखने को नहीं लेते। जवाहरलाल नेहरू जी ने देश के गृहमंत्री और उप हाथ में होता हमारा कब्जा, इसको वापिस लाने के लिए इतनी जद्दोजहद ना होती, और शायद भरोसे में लेते तो टेररिज्म का मूल ही न। इसलिए मनीष जी, इतिहास हमें मत सिखाइए। मैं बताना चाहता हूं, बहन मीनाक्षी लेखी ने कहा 600 से ज्यादा रियासतें थी, राजे रजवाड़े थे, ऐसा प्रॉब्लम ओवैसी जी चले गए मुझे सुनने के लिए नहीं बैठे, ऐसा प्रॉब्लम हैदराबाद में भी हुआ था, मजलिस ने किया था, ऐसा प्रॉब्लम जूनागढ़ में भी हुआ था, मगर ये दोनों प्रॉब्लम सरदार पटेल टैकल कर रहे थे। आज हैदराबाद और जूनागढ़ भारत का हिस्सा है, और जम्मू कश्मीर कौन देख रहा था? नहीं, मैं भी ये नहीं कहता, अधीरंजन जी, सुरेश जी बैठिए, मैं जवाब दे रहा हूं, जवाब दे रहा हूं भैया, मैंने सवाल खड़े नहीं करे, क्यों ना दे, क्यों ना दे? वो भूल के कारण आज देश को सजा भुगतनी पड़ रही, वो भूल के कारण आज हजारों लोग मारे गए, वो भूल के कारण आज देश टेररिज्म का भोग बनाए, क्यों ना दे जवाब, क्यों ना दे नाम? जरूर देंगे, ये इतिहास का हिस्सा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इतना पूछना चाहता हूं, सुरेश जी प्लीज मुझे सुनिए। माननीय अध्यक्ष जी, सदस्यगण, आपने वादा किया था कि हम व्यवधान पैदा नहीं करेंगे, आप बात सुने, जब आपके माननीय सदस्य बोले थे मैंने इधर की बेंचों को चुप कराया था। माननीय सदस्य, एक मिनट, प्लीज सिट डाउन। माननीय सदस्य, प्लीज सिट डाउन। जवाब तो देने दो, मैं बताता हूं आपको, बैठ जाइए, मैं बताता हूं। सदस्यगण, प्लीज, आसन पैरों पे बैठिए, आसन पैरों पे बैठिए। माननीय
सदस्यगण आसन पेरों पे आसन पेरों पे आसन पेरों पे माननीय सदस्यगण आसन पेरों पे व्यवस्था दे रहा हूँ आसन पेरों पे प्लीज आसन पेरों पे माननीय सदस्यगण ऐसा आसन पेरों पे आसन पेरों पे प्लीज 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 माननीय माननीय जी माननीय सुरेश प्लीज मैं बताता हूँ मजब मुझे सुन ले अधीर रंजन जी